प्रदेश में निवेश जुटाने के लिए मंत्री विदेश दौरे पर गए हैं, तो वहीं ग्लोबल समिट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मुंबई में तमाम उद्योगपतियों से मुलाकात की और उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया। वहीं विदेश से का दौरा कर वापस आए पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि जापान की जानी मानी कंपनियों के साथ 15,000 करोड़ रुपये के MOU साइन हुए हैं, जिससे सूबे में लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि फरवरी में होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऐतिहासिक होगा, जिसमें विदेश और देश विदेश के बड़े बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता विनाश कुमार ने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है 10 फरवरी को। इसके पहले योगी आदित्यनाथ के कई मंत्री विदेश दौरे पर गए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, आप जापान गए थे, कैसा क्या वहाँ का अनुभव रहा, किस तरीके के अनुभव आएंगे? देखिए, पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे, साधुवाद देना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे देश में निवेशकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र हिंदुस्तान में बनाने का काम किया। ग्लोबल स्तर पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप भारत की छवि, भारत की ख्याति, एक उभरते हुए बाजार, उभरते हुए अर्थव्यवस्था और एक बहुत ही मजबूत और स्थिर राजनीतिक रूप से स्थिर वातावरण का देश भारत बना है, जिसके कारण चाइना की बजाय भारत के प्रति निवेश करने का आकर्षण पूरी दुनिया में इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को, विभिन्न कंपनियों को बढ़ रहा है। 17 से पहले उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जाना जाता था बीमारूराज्य के रूप में, बदहाल कानून व्यवस्था के नाम पर जाना जाता था, ये बदहाल तमाम व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता था और कोई भी व्यापारी, उद्योगपति या कंपनी उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए सोचना नहीं चाहती थी। लेकिन हम बधाई देंगे आदरणीय योगी जी को, जिन्होंने 17 से 22 में और योगी 2 की दूसरी सरकार में कानून व्यवस्था दे करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, रोडों के एक्सप्रेस वे बना करके, राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय तमाम एयरपोर्ट नए नए दे करके एयर कनेक्टिविटी देने का काम किया, रोड कनेक्टिविटी देने का काम किया और उत्तर प्रदेश में एक वातावरण इस तरह का दिया, चाहे वो औद्योगिक नीति हो, विभिन्न नीतियों को देने का काम किया, इजी डूइंग बिजनेस के लिए एक वातावरण बनाने का काम किया, तमाम जो ऐसे कानून थे जिससे व्यापारी, उद्योगपति, कंपनियां डरती थी, लाल फीता फाई थे, इंस्पेक्टर आते बुक संभालने का काम किया और एक वातावरण बन के खड़ा हुआ, जिसकी वजह से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। अखिलेश यादव का एक बयान आता है कि भारत के लोग निवेश नहीं कर रहे हैं तो बाहर विदेश से क्या लोग निवेश करने आएंगे, जितना मंत्रियों को खर्चा लगाया जाने का, अगर इतना भी इन्वेस्ट हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए, यह विपक्ष का काम है क्रिटिसाइज करना, लेकिन सकारात्मक मुद्दों पर उन्हें सरकार की तारीफ भी करनी चाहिए। अगर कहीं विपक्ष का काम है सरकारी नीतियों में गड़बड़ियां, तो उसका सुझाव और आलोचना का भी विषय बनता है, लेकिन उन्हें थोड़ा ये झांकना चाहिए अपने शासनकाल में जिस प्रकार से गुंडई, अपराध और भ्रष्ट कानून व्यवस्था, जंगल राज की स्थितियां थी, दंगों का प्रदेश बन गया था, उसके परिणामस्वरूप कोई झांकने की, जो मैंने अभी कहा झांकने का मन नहीं करता था, उन्हें सारवा देना चाहिए आदरणीय योगी जी को, जिनके नेतृत्व में प्रदेश में निवेश का वातावरण बनाया, औद्योगिकरण का वातावरण बनाया, लोगों को रोजी रोजगार के अवसर देने का वातावरण बनाया उससे। विदेश दौरे के बाद मुख्यमंत्री जी कल मुंबई गए हैं, तो देश के भी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको भी इन्वेस्ट करने के लिए यूपी लाए जाके, ताकि यूपी के जो रोजगार है उसको बढ़ा और यहाँ के लोग बाहर नौकरी करने ना जाए, तो इसके लिए कोई प्लान है, आप लोग भी जाएंगे? देखिए, हम लोग विदेशी दौरे, मुझे सौभाग्य मिला दक्षिण कोरिया और जापान जाने का। वहाँ जो मैंने कहा पूर्व में, बहुत बड़ा, हम लोग 25,500 करोड़ के MOU करके लेके आए और लगभग 50,000 के इंटेंट हुए हैं, जिनकी संभावना के MOU शीघ्र हो जाएंगे। तो और यदि विभागीय स्तर पर बात करें तो अकेला पर्यटन विभाग, जिसका लक्ष्य सिर्फ 3 गुने से ज्यादा है, हम लोग MOU कर चुके हैं और हम समझते हैं लक्ष्य से ज्यादा जो दिया गया है पुनः रिवाइज करेंगे, उससे भी ज्यादा अचीवमेंट हम करेंगे। अच्छा ये है
कि तमाम बड़े बड़े निवेशक ये आकर्षित हो रहे हैं, विदेशी भी और खासतौर से बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने देश की कंपनियां हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप हैं, वो सब आकर्षित हो रहे हैं। और इसी के चलते आदरणीय मुख्यमंत्री स्वयं बम्बई आज वहाँ कल गए हैं, आज भी कई रोड शो हैं उसमें भाग ले रहे हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स की टीम और विभिन्न अधिकारियों की टीम देश के विभिन्न समूहों से मिलने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाने का काम कर रही हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम आएंगे और उत्तर प्रदेश की सूरत और सीरत दोनों बहुत जल्दी बदलने वाली हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक नगरी बनेगा, औद्योगिक बाजार बनेगा, तो यहाँ का उद्योग, यहाँ के बिजनेस, यहाँ के रोजी रोजगार के अवसर मिलेंगे। और हम समझते हैं वैसे भी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो दुनिया का छठा देश है, 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश, जो पूरे देश में अगर देशों की जनसंख्या के अनुपात में ले लें तो छठा देश है, जहाँ बाजार की अपार संभावना है। तो जो निवेश करने वाले निवेशक आएंगे उनको भी ये बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार मिलेगा और हमें भी रोजी रोजगार के अवसर मिलेंगे और औद्योगिक गति से हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जो एक आखिरी सवाल, जो 10 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर आयोजित होगा कार्यक्रम, क्या इसमें विपक्ष के लोगों को भी इन्विटेशन दिया जाएगा कि आएंगे? वो कोई राजनीतिक सम्मेलन थोड़ी है, वहां तो जो लोग इन्वेस्टर्स आएंगे, जो एमओयू वहां से साइन करेंगे या एमओयू साइन करने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं उन लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। वहां कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है जिसमें राजनीतिक लोगों की कोई वहां डिबेट होने जा रही है, लेकिन यह न तो भाजपा का है, न सपा का है, न बसपा का है, वो उत्तर प्रदेश सरकार का निवेशकों का मंच होगा जिस पर देशी और विदेशी दोनों तरह के वो निवेशक, वो कंपनियां, वो पूंजीपति, वो बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे जो उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए आ रहे हैं, निवेश करने आ रहे हैं, उनको हम लोग साथ आमंत्रित कर रहे हैं। वो आएंगे और एमओयू साइन करके अपनी निवेश करते हुए यहाँ के औद्योगिक गति देने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि यूपी में अब जो रोजगार को लेकर समस्याएं होती थी उसको लेकर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा उसके बाद यूपी में ऐसी समस्याएं नहीं रहेंगी और रोजगार और विकास के लिए उत्तर प्रदेश बढ़ेगा। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, एम के न्यूज़।